वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं कलम से क्रांति और मैं हूं अमृता। और जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आए हुए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसके साथ साथ इस चैनल को, यानी कि जो आपकी टैट वाला जो चैनल है, टैट एंड टीचिंग चैनल फ्रॉम बाई एग्जामपुर, इसको भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर हो चुका था कि मॉर्फोलॉजी तक हो चुका था, और आज हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, ये पढ़ा चुकी थी, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुकी थी, इसके आगे का हम यहाँ पर अब बात करेंगे। ठीक है, बात अगर हम देखते हैं तो ये कुछ, सबसे पहले आपका यहाँ पर एक पॉइंट आता है, और वो है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो जो कुछ भी आपका जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, छोटे एल्गी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो जो हमको साधारण माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं, जो हमें साधारण सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही उनको हम देख पाते हैं, जो हमको साधारणता खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनको क्या कहा जाता है यहां पर, आप क्या बताएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली जो इमेज है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर एक इस तरीके से माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ लेबोरेटरी के आपको उपकरण यहाँ पर, टूल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, परख नली, फ्लास्क, ये सारी चीज़ें। ये जो गोल सा आपका है, ये क्या है, ये एक तरह का इसको कहते हैं पेट्री प्लेट, है ना, पेट्री प्लेट इसको यहाँ पर कहते हैं। और ये कोई भी एक अलग तरीके का वायरस है, ठीक है, लाइक कोरोना कुछ यह दिखाई दे रहा है, कोरोना फैमिली का। ये क्या है, आपके टेस्ट ट्यूब है बहुत सारे। ये क्या है, इंक्यूबेशन करने के लिए जो एक लूप का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर अगर आप इस पेट्री डिश को पूरा का पूरा देखते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ एक जेली जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है। ये जो जेली जैसा पदार्थ है, ये क्या है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, को क्या कहा जाता है, अगार कहा जाता है, है ना, यही मैंने आपको पढ़ाया है, किसी को क्या कहा जाता है, अगार यहां पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पर बता दूं कि जो अगार होता है वो किससे मिलता है, एल्गी से मिलता है। किससे मिलेगा, एल्गी से मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अगार है, ये माइक्रोबायोलॉजी को उगाने के लिए आर्टिफिशियल फूड की तरह बनाया जाता है। अब जो यहां पर आप इस तरीके से व्हाइट कलर का आप यहां पर स्ट्रक्चर और अच्छे से अगर देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये है आपकी किसी भी बैक्टीरिया या फंगस की कॉलोनी। ठीक है, ये सब क्या है, आप बताएंगे कि ये सब क्या है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकती है, कोई भी फंगस हो सकता है, और उसकी ये सब क्या है, कॉलोनी है। ठीक है, और यहीं से इसको उठा करके फिर क्या किया जाता है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सारी की सारी किसके अंदर होती है, सूक्ष्म विज्ञान के अंदर होती है। ठीक है, बात समझ आ गई है। चलो, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर वो है आणविक जीव विज्ञान या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूल जब भी आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है यहाँ पर कि एक आणविक स्तर के बारे में बात हो रही है, एक अणु के बारे में बात हो रही है। और जब पूरी की पूरी बायोलॉजी को जब अणु के लेवल में पढ़ा जाता है कि वो उसका एक एक अणु किस तरीके से है, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जो कुछ भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके अंदर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट तरह के जीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे डीएनए का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, और आरएनए का अध्ययन किया जाता है, और डिफरेंट तरह के जीन का यहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, फोन टूट गया है, चलो कोई नहीं, जब तक देख पा रहे हो देख लो।
ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक एक अणु के लेवल में जब स्टडी की जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर मैमोग्राफी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यहाँ पर बात होगी वो होगी मैमोग्राफी। ठीक है, तो ग्राफी, ग्राफी शब्द मतलब मैंने आपको क्या बताया है, रिप्रेजेंटेशन करने का। ग्राफी शब्द मतलब मैंने क्या बताया है, रिप्रेजेंटेशन करने का। और मैमो मतलब क्या होता है, ममेरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथियाँ। जब स्तन कैंसर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कैंसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उसके परीक्षण के बारे में, ठीक है, उसके टेस्ट के बारे में। तो ग्राफी मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेस्ट। तो आपको क्या बताना है कि जब स्तन कैंसर का परीक्षण किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, मैमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो मैमो मतलब ममेरी ग्लैंड में कैंसर हो गया है। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्राफी, ग्राफी मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेशन करना, उसका परीक्षण करना। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो टेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज मैमोग्राफी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कैंसर का अध्ययन करना मैमोग्राफी होता है, नहीं, उसके परीक्षण, परीक्षण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैमोग्राफी कहते हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट आता है वो है माइकोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आता है फाइकोलॉजी, एक आता है माइकोलॉजी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो माइकोलॉजी है वह क्या है, तो आपको क्या बताना है, स्टडी ऑफ द फंजाई। कि जब हम यहाँ पर कवक का अध्ययन करते हैं, जब हम माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई, जब हम डिफरेंट तरह के कवक का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप बताएंगे माइकोलॉजी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक तरह का आपको कवक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं मशरूम के बारे में, जिसकी सब्जी आप खाते हैं, या फिर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर पेनिसिलिन, जिससे एंटीबॉडीज वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह बनाई जाती है, या फिर आप बात कर रहे हैं फफूंदी की, तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, कवक ही तो हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, माइकोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात होगी उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो है मेर्मिकोलॉजी। ठीक है, और ये जो शब्द है ना, मेर्मिको या मेर्मी या मेर्मिको, ये चींटियों के लिए ही हमेशा यहाँ पर देखा जाता है। तो मैंने आपको जब पॉलिनेशन पढ़ाया था, परागण पढ़ाया था, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि मेर्मिकोफिली, याद आया, मेर्मिकोफिली। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मेर्मिकोफिली क्या है, तो आप बताएंगे चींटियों द्वारा परागण। तो उसी का जब आप अध्ययन करेंगे, चींटियों का बार बार आप अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर मेर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, मेर्मिकोलॉजी यहाँ पर कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चींटी है, और चींटी के अध्ययन को क्या कहा जा रहा है, मेर्मिकोलॉजी कहा जा रहा है। क्लियर है, बात समझ आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी, अगर हम न्यूरोलॉजी, न्यूरो, न्यूरो शब्द से ही समझ आ रहा है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर न्यूरोलॉजी मतलब अगर हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं और न्यूरोन का अध्ययन करते हैं, तो जो यहाँ पर न्यूरोन लिखा हुआ है, न्यूरोन क्या है, तो आप बताएंगे इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की यह यूनिट होती है, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। तो अगर नर्वस सिस्टम की इकाई के बारे में बात हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप बताएंगे न्यूरोलॉजी, इसको यहाँ पर कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं जिशन सैफ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, गर्मी भी है, रमजान भी है, स्टडी भी करना है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें आपकी नेसेसरी ही होती है। ठीक है, करना पड़ता है, और बाद में जब उसका फल मिलेगा तो वो भी तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको यहाँ पे फटाफट से नोट कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोन, यानी कि तंत्रिका तंत्र तथा न्यूरोन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूरोलॉजी यहाँ पर कहलाएगा। तो सभी ने इसको यहाँ पर फटाफट से नोट कर लिया होगा। चलिए,
अब इसके आगे हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूएंटोलॉजी। तो जहाँ पर भी न्यूएंटोलॉजी यानी कि न्यू मतलब क्या होता है, नया, यानी कि कोई भी बच्चा अभी एकदम तुरंत जन्म लिया है, तो न्यो मतलब नया, नेटो मतलब बच्चा, तो न्यूएंटोलॉजी यानी कि कोई भी अभी जन्मजात शिशु है उसका अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूएंटोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि बच्चे का जब यहाँ पर जन्म हो जाता है तब आप देखते होंगे कि कई बार बच्चे का वजन सही नहीं होता, कई बार उसको कुछ और प्रॉब्लम होती है अंदरूनी, तो अगर इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जो नवजात शिशु का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूएंटोलॉजी कहा जाता है। सुदेश शर्मा, देखो ऐसा है कि अभी तक तुम्हारा जो सिलेक्शन है इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सब पता है और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इस तरह के आप चीजें करोगे नहीं, तब तक सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसीलिए तो तुम आए हो कि मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ाऊं। तो मुझे पता है यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके का नहीं आता है। अब देखो तुम्हारा जो सिलेक्शन नहीं हुआ इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि तुमने ये सब पढ़ा नहीं, और तुम्हारी भी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कोई सही गाइड करने वाला नहीं था। तो अब तुम्हें मैडम मिली है, एग्ज़ाम पूर्ण मिला है, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, तो नियंटोलॉजी मतलब क्या होता है, नवजात शिशु का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, नियंटोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है नेफ्रॉन, ठीक है बेटा, लेकिन नेफ्रॉन अभी बाद में। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे नेफ्रो किस से रिलेटेड है, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। और जो नेफ्रॉन होता है वो किसकी यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था ना, नेफ्रॉन जो होता है वो किसकी यूनिट होती है बच्चा, अगर आपको यहाँ पर बताना है तो यह किडनी की यूनिट होती है। किसकी, किडनी की, यानी कि जो वृक्क की यूनिट होती है, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीशन होता है अगर हम बात करें, या फिर आप देख सकते हैं कि देखो जो लोग यहाँ पे अपना ज्ञान बांट रहे हैं ना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरिट से होगा, अमके से होगा, ढमके से होगा, सुनो जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ ऐसी तैसी हो जानी है, बात समझ आ रही है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो क्योंकि केवल तुम इतने जितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम पूर्व से क्लास करते हो केवल उतने ही बीएड के नहीं हो, पूरे भारत में खासतौर से अगर नॉर्थ की बात करें तो बहुत बच्चे हैं बीएड में, और हर कोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, और ये क्यों नहीं सोचते हो कि जहाँ से भी मैं एंट्रेंस दूंगा वहाँ पे मैं टॉप करूँ, ये क्यों नहीं सोचते हो, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि मेरिट बेसिस होगा, अरे भाई जिसके भी बेसिस हो तुम्हें पढ़ना तो है ही ना, तो पढ़ो यहाँ पे चुपचाप से। एक बच्चा कह रहा है लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा, अरे भाई साहब आज नहीं ख़त्म होगा तो आज से 3 महीने बाद तो ख़त्म होगा कम से कम, ऐसा थोड़ी है तुम्हारा कि लॉकडाउन ही करते हो तो मतलब तुम घर पे ही पड़े रहोगे, जॉब वॉब नहीं करोगे, ऐसे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, ऐसे ही खाना मिल जाएगा 2 टाइम का, कुछ भी बात करते हो, लॉकडाउन ही नहीं ख़त्म होगा। अरे भाई क्यों नहीं ख़त्म होगा लॉकडाउन, 3 मई को ख़त्म नहीं होगा, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए लेकिन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। तो फिर ये सब शेख चिल्ली बनना छोड़ो कि घर पे बैठा और माँ बाप खिलाएंगे, नहीं आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं तो नेफ्रॉन क्या है, आपका किडनी का एक इकाई होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किडनी की एक इकाई होती है नेफ्रॉन, और इसके साथ साथ जो कुछ भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका भी ये एक यूनिट होता है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर किडनियों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास 2 किडनी होती है, ठीक है, और जब हम उस किडनी के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर नेफ्रोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में यह पूछा गया है, क्या, ओरिंथोलॉजी।
बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पर ओरिंथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ओरिंथो ओरिंथो मतलब क्या होता है, बर्ड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे चिड़िया का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ओरिंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सभी प्रकार की चिड़िया, चाहे वो उड़ सकती है चाहे वो नहीं उड़ सकती है, छोटी है बड़ी है, किसी भी तरह की अगर हम यहाँ पर चिड़िया के बारे में बात करते हैं, पक्षी के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है कृतिका, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ओरिंथोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, चाहे वो उड़े चाहे वो ना उड़े। अब हम यहाँ पर, हाँ आयुषी ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ओरिंथोफिली, ऐसे करके एक वर्ड आता है। ओरिंथोफिली मतलब क्या होता है कि जब पक्षियों के माध्यम से परागकण होने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, ओरिंथोफिली कहा जाता है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हाँ विशाल, किडनी, एक एक किडनी के साथ इंसान बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकता है अगर वो अपने खाने पीने में थोड़ा सा संयम रखे। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आएगा वो है नेत्र विज्ञान। नाम से ही समझ आ रहा है, लेकिन कोई इतना एग्जामिनर पागल थोड़े है कि वो यहाँ पर नेत्र विज्ञान दे देगा। बताओ नेत्र विज्ञान में हम क्या करते हैं, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो वो क्या लिखेगा यहाँ पर, ऑप्टेल्मोलॉजी, क्या लिखेगा वो, हाँ बेटा मैंने बताया, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आँखों का अध्ययन कर रहे हैं, और आँखों के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम जो कुछ भी उसका परीक्षण करेंगे और उसका निदान भी करेंगे। परीक्षण और निदान मतलब कि सबसे पहले हम उसका टेस्ट करेंगे, फिर उसका डायग्नोसिस करेंगे कि किस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, नेत्र विज्ञान यहाँ पर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी एक पेशेंट है जो अपना आँख का यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आया हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो है आर्थ्रोपेडिक्स, ठीक है, आर्थ्रोपेडिक्स, ठीक। आर्थ्रोपेडिक्स मतलब क्या होता है कि डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ द लोकोमोटरी सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जिसके माध्यम से आप लोकोमोशन कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर गतिशीलता है, उसका परीक्षण करना और उसका निदान करना, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कुछ भी आपका लोकोमोटरी सिस्टम है, यानी कि आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हिल रहे हैं, जो कुछ भी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसके बारे में हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, आर्थ्रोपेडिक्स कहा जाता है। कि आपको कहीं भी किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है मूवमेंट करने में, हाँ रचना यही, नहीं नहीं नेत्र विज्ञान लिखा हुआ नहीं आएगा रचना उसमें, ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूज भी तो करेगा, वो इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है वो। तो अगर हम यहाँ पे आर्थ्रोपेडिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस किस तरीके से आपका जो अंग है वो गतिशील है, और अगर हम देखें तो उसका परीक्षण करना और उसका निदान करना क्या कहा जाता है, आप बताएंगे आर्थ्रोपेडिक्स कहा जाता है। नहीं, डेंटोलॉजी अलग होता है बेटा, डेंटोलॉजी अलग होता है, ठीक है। हाँ रूपम आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका बात होगा, नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, दांतों और मसूड़ों का अध्ययन करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दांत हैं, ठीक है, और मसूड़ा है। तो दांत और मसूड़े का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। विशाल वर्मा पूछ रहे हैं, मैम आप बायोलॉजी के अलावा और भी कुछ पढ़ा सकते हैं? हाँ, मैथ्स छोड़ करके सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स मैंने 11th क्लास में ही छोड़ दी थी। तो उसमें मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं, 2-3 महीने में मैथ्स भी करवा देंगे, लेकिन मैथ्स में उतना हाथ नहीं है मेरा मतलब। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाकी और सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। वेरी गुड गोविंद, ठीक है ज्योति, चलो ठीक है अंकित गौतम। तो चलो फटाफट से यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट कर लो। मैं यहाँ पे एक दो बच्चों को नोटिस कर रही हूँ जो केवल और केवल ना इरिटेशन करता है, बिल्कुल सही बात है नाउश नौरिश, ठीक है। तो सभी ने नोट कर लिया इसको, ठीक है वीरेश।
तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओडोंटोलॉजी के बारे में, तो ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, दांतों और मसूड़ों का अध्ययन करना, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो है ओस्टियोलॉजी। मैंने आपको बताया था ना ओस्टियो, ओस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्या है यहाँ पर, अस्थि। तो अगर हम अस्थि विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है विशाल, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे अस्थि विज्ञान नहीं लिखा हुआ आता, वहाँ पर क्या लिखा आएगा, इस तरीके से ऑस्टियोलॉजी लिखा हुआ आएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना, एक कंकाल तंत्र है, और शायद मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया भी है, कंकाल तंत्र भी पढ़ाया है, तो मैंने तब आपको बताया भी था कि जो कुछ भी यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी के बारे में बात की जा रही है वो सभी क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो तभी मैं आपको कह रही थी ना कि कैंसर का अध्ययन दूसरी चीज़ है, कि कैंसर कैसा होता है, ट्यूमर कैसा होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ओंकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो ओंको शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, ओंको शब्द के बारे में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पर ओंको शब्द जहाँ पे भी आए तो वो कैंसर से यहाँ पर संबंधित है। और ओंकोलॉजी मतलब क्या हो गया, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करना। ओंको जीन किसे कहा जाता है, एक इस तरह का जीन जो आगे जाकर के आपके अंदर यह रखेगा कि आपको कैंसर हो जाए, ठीक है, इस तरह के जीन को क्या कहा जाता है, ओंको जीन। तो ये ओंको जीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एक इस तरह का जीन जो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर कैंसर कर रहा है। हाँ सुरेश, कॉमर्स के अगर मैं आपको बता दूँ, कॉमर्स के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, तो तुमको अगर पढ़ना है कॉमर्स तुम पढ़ सकते हो, लेकिन दुख तुम्हारे लिए केवल इस बात का है कि कॉमर्स यहाँ पे एग्जामपुर में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो तुम्हारे लिए बहुत सैड न्यूज़ है। और मेरे को ये लगता है कि अभी जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ना उसको केवल तुम पढ़ लो, ठीक है, उसको तुम केवल यहाँ पर पढ़ लो, और तो उसी में तुम्हारा ना जीवन सफल हो जाएगा। तुम इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो मैं बता रही हूँ अगर तुम वो पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो और तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलो और क्या बोल सकती हूँ, यही बोल सकती हूँ कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कंबाइन करके जो सारे क्वेश्चन है बेटा वो तो मैं नहीं करा सकती हूँ, लेकिन साइंस के करवा दूंगी, ठीक है, साइंस और इन्वायरमेंट के करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि सारा सब कुछ सब्जेक्ट अगर मैं कराने लगी तो फिर यहाँ पर वही बात होगी कि और टीचर्स ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैं ही तो नहीं करवा सकती, केवल मैं ही नहीं हूँ, है ना, सभी टीचर्स, हम सभी एक दूसरे को साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है, ठीक है भूपेन, ठीक है रोबी, चलिए अब इसके आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात आती है प्रसूति के बारे में, यानी कि ठीक है आयुषी देखते हैं, ठीक है चलो बता दिया है, साइंस वगैरह का मैं करके यहाँ पर बताती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर प्रसूति के बारे में बात करते हैं, ओबस्ट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो जन्म से पहले, उस समय और जन्म के बाद गर्भवती महिला का देखभाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी देखभाल कर रहे हैं, जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। तो उसका पहले यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिफोर, ड्यूरिंग यानी कि बाद में, और ड्यूरिंग मतलब उस टाइम पे, और आफ्टर मतलब आप बताएंगे बर्थ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रसूति यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। जिनको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चा, मैं आपको बता दूं विवेक सर की क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है, एग्जामपुर का जो मेन चैनल है ना उसमें आप जाइए, वहाँ पर विवेक सर केमिस्ट्री ऐसा आप डाल दीजिए, इतना शानदार उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है कि एक बार पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर है, बात समझ आ गई है, चलिए
ठीक है, अब ये वाली बात समझ आ गई। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक औरत है, कोई भी एक स्त्री है, जब वो प्रेग्नेंट होगी, फिर 9 महीने का टाइम, और जब प्रसूति मतलब होता है कि जब डिलीवरी हो जाएगी, तब तक का जो पूरा का यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर प्रसूति कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत ही एक बढ़िया सी बात आती है, अब यहाँ पर बढ़िया सी बात यह आती है और वो है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब क्या आएगा, जीवाश्म विज्ञान। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक आता है पूरा तत्व विज्ञान और एक आता है जीवाश्म विज्ञान। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो कौन सा था, पूरा तत्व विज्ञान। पूरा तत्व मतलब ये होता है कि जिसमें हम जो कुछ भी मिल रहा है, जीवाश्म मिल रहा है, पुराने जमाने की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम उस बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आप यह देखेंगे कि किस तरीके से उनकी संस्कृति थी प्राचीन लोगों की, किस तरीके के उपकरण वो यूज़ करते थे, कैसी उनकी कला थी, कैसी उनकी संस्कृति थी, तो वो कहलाता है पूरा तत्व विज्ञान। ठीक है, पूरा तत्व विज्ञान। लेकिन जीवाश्म विज्ञान मतलब क्या हो गया कि पहले जो लोग थे उनके कुछ अवशेष हमको मिल गए हैं और उन अवशेषों का अध्ययन करना, उन जीवाश्मों का, फॉसिल्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई है, तो इसको आप यहाँ पर फटाफट से लिख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई है, तो इसको फटाफट से यहाँ पे नोट कर लो कि अगर हम यहाँ पर पैलेंटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो पैलेंटोलॉजी मतलब होता है जीवाश्म का अध्ययन करना। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब आपकी यहाँ पर बात होगी फिजियोलॉजी के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। फिजियोलॉजी मतलब होता है कि मानव शरीर के अंग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उसका अध्ययन करना। ठीक है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आपका कंकाल तंत्र, आपकी RBC, WBC, ब्लड का जो भी पार्ट है, आपकी नसें हो गई, आपका कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट किस तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। तो आप देखते हो ना कि एक फिजिकल एक्सरसाइज और ये जो सब क्या चीज़ है, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि आपकी फिजियोलॉजी यहाँ पर सही हो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जिसमें आपको दौड़ाया जाता था स्कूल में, तो ये सारी की सारी चीज़ें की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंसान को, उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ब्लड सेल्स कैसे काम कर रही हैं, नसें कैसे काम कर रही हैं, अगर वो लड़की है तो उसकी ओवरी कैसे काम कर रही है, उसका स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, उसका एक्सक्रीशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसका पाचन तंत्र कैसा काम कर रहा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसकी पेशी कैसे काम कर रही है, उसकी आँखें कैसे काम कर रही हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, एक्टिव है और कार्य कर पा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि फंक्शंस की स्टडी करना। राइट, समझ आ गया है ये वाली बात। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा वो है पैथोलॉजी, और इससे तो आप बहुत ही ज्यादा पता होगा आपको कि ये क्या है। पैथोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पैथोलॉजी लैब आप जाते हैं, जैसे आपने डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और डॉक्टर आपको क्या कहता है कि पैथोलॉजी लैब जाओ और वहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट करवा के आओ रिपोर्ट लेकर के, या फिर आपका थूक लिया जाता है, या फिर आपका जो यूरिन है, या फिर स्टूल यानी कि मल लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, पैथोलॉजी के अंदर पड़ी जाती हैं कि आपको जो डिजीज़ हुई है वो कौन सी डिजीज़ है और वो कॉजेस कौन से हैं, जिसको हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं एक बार क्लास को लाइक यहाँ पर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो स्टडी ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजेज इज नोन एज पैथोलॉजी। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो अब यहाँ पर बात आती है वो है पोमोलॉजी। पोमो, पोमो मतलब होता है फल, है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है पोमो, पोमो मतलब होता है फल। तो जब हम फलों का अध्ययन करते हैं,
या फिर फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब स्टडी ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, तो उसको क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, राइट। तो जैसे कि आप अगर इस पिक्चर में देख सकते हैं तो ये क्या कर रहा है, फल चुन रहा है। अब आप कहोगे कि ये टमाटर चुन रहा है मैडम, और टमाटर तो सब्जी है। तो नहीं बेटा, मैं आपको बता दूं, टमाटर इज क्या है, टोमेटो जो है वो एक बेरी है, ठीक है, और बेरी किसके अंदर आती है, फ्रूट के अंदर आती है, और ट्रू फ्रूट है। तो टमाटर क्या है, ट्रू फ्रूट है। वो अलग बात है कि आप उसको सब्जी में डाल करके खाते हैं, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये भी तो देखो कि उसको हम एज अ सलाद भी खाते हैं, है ना, सलाद भी खाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप बायोलॉजी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो अभी तक आपको नहीं पता था ना कि टमाटर एक फल है, तो अगर कल को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि टमाटर क्या है, सब्जी है कि फल है, तो आप क्या आंसर करेंगे, यहाँ पर फल है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर बात आती है वो है साइकेट्री। साइकेट्री आप सभी को पता ही होगा, क्या मनोचिकित्सा, ठीक है, कहते हैं ना यहाँ पे तो साइको है क्या, तू पागल है क्या। तो मैं आपको बता दूँ, पागल और साइको ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो विक्षिप्त हो गया है वही पागल है, हम सभी पागल हैं, ठीक है। किस तरीके से पागल हैं, क्योंकि हमारी, हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, जिस तरह से टेंशन हमारा है और न्यूट्रिशन का लेवल हमारा काफ़ी कम है, ठीक है, प्राणायाम हम करते नहीं, योगा हम करते नहीं, अच्छे सत्संग हम पढ़ते नहीं, ठीक है, और हम क्या करते हैं पता नहीं क्या, ठीक है। तो हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानसिक विकार होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी एकदम से ऐसे ही पागल से हो गए, नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा, जैसे अवसाद होता है, डिप्रेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपके कुछ भी मानसिक विकार हो सकता है, उसके उपचार से संबंधित जो चिकित्सा होती है उसको मनोचिकित्सा यहाँ पर कहा जाता है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक मेरा फ्रेंड था, वो काफी परेशान था, तो ना उसको हमने सजेस्ट किया कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के जाते हैं, राइट। तो वो मानने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसके दोस्त क्या कहने लगे कि अरे तू पागल है क्या जो तू साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, जो तेरा दिमाग खराब है क्या। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया, मैंने कहा कि एक बात सुनो कि जो दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं ना वही मूर्ख है। किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, काउंसलिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। अब मान लो कि कोई लड़की है, कोई भी एक लड़की है, मान लीजिए कि उसका रेप हो गया, एक बहुत दुखद घटना है, लेकिन मान लीजिए उसका रेप हो गया, उसमें उस लड़की की कोई गलती थी, नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से उसके मानसिकता पे, उसके मस्तिष्क में कितना बुरा प्रभाव पड़ा, वो उससे उबर नहीं पा रही है, वो अपनी आगे की ज़िंदगी बेटर बनाने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, दिन भर रोती है और बीमार रहती है, उसकी वजह से उसकी फैमिली भी सर्वाइव करती है। तो ऐसे टाइम में उसको कहाँ ले जाया जाता है, मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है, क्योंकि उसको मानसिक विकार है, वो बहुत डिप्रेशन में है, वो बहुत टूट चुकी है, तो उसको हीलिंग की जाती है। तो हम ऐसे कहेंगे कि हाँ, कि जिसके साथ ऐसा दुखद घटना हो गया है, ठीक है, तो वो पागल है, वो मेंटल है, नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, है ना, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कई बार बच्चा बहुत परिश्रम करता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जैसे मैं यहाँ पे यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रही हूँ, तो देते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 6 साल हो जाते हैं, और वो एकदम तैयारी कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना उन्होंने कोई दारू पी, ना वो कभी पार्टी में जाते हैं, बस वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं, और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तो वो पागल है क्या। अरे भैया, वो इतना ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है तुमसे कि तुम कहीं टिकोगे भी नहीं उसके सामने, ठीक है, लेकिन फिर भी वो किस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। तो वो भी क्या है, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, एकदम खुश हो के पागल हो रहे हैं, और फिर कुछ होगा थोड़े टाइम बाद कि कुछ लोग एकदम दुखी भी हो जाते हैं एट द सेम टाइम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, मानसिक विकार है, ठीक है। तो अगर कल को आपको किसी भी तरह की बेटा तकलीफ होती है, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। आपने एक मूवी देखी होगी, डियर जिंदगी, डियर जिंदगी, राइट, उसमें जो आलिया भट्ट होती है, क्या वो मेंटल होती है, क्या वो पागल होती है, नहीं, लेकिन वो अपनी चीज़ों का समाधान नहीं कर पा रही है, वो अपने दिमाग में सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं। विशाल, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी ना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो क्या किया, पागल ही है। विशाल, आप कोई नहीं होते हो जज करने वाले, कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप कौन होते हो जज करने वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये जो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा
थोड़ा सा ना ये केवल लग्जरी चीजों में मत घुसो, उसने त्याग किया है, ठीक है, उसने त्याग किया, हर किसी की बस की नहीं होती है, ठीक है, कि दिल्ली जैसे शहर में किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसके चरण स्पर्श करो, ठीक है, आज के टाइम पे इस चीज को ध्यान में रखो कि उसने त्याग किया है, नहीं तो वो चाहे तो दिल्ली में 5 लड़कियां घुमा सकता है बहुत आसान से, तो थोड़ा सा बोलने से पहले ना सोचा करो, ठीक है, ये फालतू की बकवास नहीं करना है यहाँ पे तो। और फ्लॉप मूवी नहीं है वो, बहुत ही बेस्ट मूवी है, और मैं तो कहती हूँ खासतौर से कि हर बच्चे को वो मूवी देखनी चाहिए, ठीक है, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि जो कुछ भी आपके अंदर डिप्रेशन, जैसे आपको बुखार होता है तो आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो ना, बुखार हो गया है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको किसी तरह की आगे कोई समस्या होती है तो आप वहाँ पर जाइए, ठीक है, आप आराम से काउंसलिंग लीजिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और जो कहता है ना कि तुम पागल हो, उससे कहना कि भाई मैं बहुत बेटर, ठीक है, बात समझ आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आपकी चर्चा होगी वो होगी पीसी कल्चर। जैसे कि कल मैं आप लोगों को बता रही थी ना पीसी कल्चर, एक मैंने आपको बताया था यहाँ पर, देखो मत्स्य पालन आपका पीसी कल्चर के लिए भी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो आपका एक्वा कल्चर आता है, दोनों के लिए ही हम यहाँ पर मत्स्य पालन का वर्ड उपयोग करते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसा हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप यह देखिए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो पीसी में केवल और केवल मछलियों का पालन किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल टैंक बनाए गए हैं और इसमें मछलियों का पालन किया जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, तन्वी इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मछली के रेयरिंग ऑफ द फिशेज इज नोन एज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेयरिंग ऑफ द फिशेज, यानी कि विज्ञान की उस शाखा के बारे में बताइए जिसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है फाइकोलॉजी। जैसे अभी मैंने आपको माइकोलॉजी पढ़ाया था उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था फाइकोलॉजी। फाइको जहाँ पर भी शब्द आता है इसका साफ मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्गी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर शैवाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पर शैवाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शैवाल को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये सभी क्या है चीज़ें यहाँ पर आप बताएंगे शैवाल है, ठीक है। तो जब भी हम शैवालों का अध्ययन करते हैं तो ये फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी जो दो टर्म है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी माइको शब्द आए, माइको मतलब जो आपका फंजाई है, यानी कि जो आपका यहाँ पर कवक है, ठीक है, और जब भी फाइको आए इसका मतलब शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन करना, ये दो चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पूछी जाती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बाल्य चिकित्सा, ठीक है, बाल्य चिकित्सा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल्य चिकित्सा, बाल्य चिकित्सा आपको पता ही है पेडियाट्रिक्स इसको कहा जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पर बाल्य चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के साथ उनकी चिकित्सा की शाखा यानी कि ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डील्स विद द चिल्ड्रन, यानी कि जो कुछ भी बच्चे हैं छोटे छोटे से, ठीक है, और उनके बारे में अगर हम बात करें, बेटा देखो कोई ना कोई पेपर में एक ना एक तो सपना एक ना एक टर्मिनोलॉजी से आता ही है, तो आपको जितना कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि यही आएगा इसी को ही पढ़ो, है ना। तो चलो देखो ये कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है, तो इससे पॉजिटिविटी लो और फटाफट से यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि जो बाल्य चिकित्सा होता है उसका मतलब क्या है, बच्चों की जो चिकित्सा की जाती है, बच्चों से संबंधित जो चिकित्सा की जो शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे बाल्य चिकित्सा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फोटोबायोलॉजी, ठीक है। अब फोटोबायोलॉजी मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो तो जहाँ पर भी फोटो शब्द आता है तो ये खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ध्यान से डिटेली अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि फोटो मतलब होता है लाइट,
फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो अगर हम यहाँ पर लाइट के बारे में बात करते हैं, तो जो कुछ भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कुछ भी हमारी जैविक प्रक्रिया है, उसमें प्रकाश का जो प्रभाव होता है, लाइट का जो प्रभाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फोटोबायोलॉजी कहा जाता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा का विषय है। तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, इसको यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की मदद से यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, अपना भोजन सिंथेसिस कर रहे हैं, अपने भोजन का यहाँ पर संश्लेषण कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, देखो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक क्यों नहीं बता रही हूँ, उसका एक रीज़न है। कल को यहाँ पर आ गए फोटोजेनेटिक्स, कल को यहाँ पे आ गया फोटोसिंथेसिस, कल को यहाँ पे आ गया कुछ और टर्म, फोटो कुछ भी, समथिंग कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल में फोटो मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगी ना, आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके बाद ना बिल्कुल आप भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फोटो के बारे में बात करते हैं, तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो जो कुछ भी हमारी प्रक्रिया है, जो कुछ भी अगर हम बात करें अपने जीवन के बारे में और जो कुछ भी हमारी प्रोसेस है उसके बारे में, तो उसमें लाइट का किस तरीके से प्रभाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फोटोबायोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, फाइलोजेनी के बारे में, ठीक है। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है कि किस तरीके से जीव का विकासवादी इतिहास रहा है, किस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब क्या हो सकता है कि जो मांस खाता हो, फिर उसमें अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर जीनस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक दिखाई दे रहा है पैंथेरा जीनस, पैंथेरा आगे जाकर के लेपर्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है मेफिटिस, ये आगे जाकर के कुछ इस तरीके से गिलहरी का जैसा प्रारूप इसने बना लिया। फिर ल्यूट्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से बन गया जैसे कि नेवले वगैरह होते हैं। फिर आपको कैनिन्स दिखाई दे रहा है, कैनिन्स में भी आप दो प्रजाति यहाँ पर देख सकते हैं, एक भेड़िया बन गया और एक कुत्ता बन गया। तो आपको यह देखने के लिए पता चल रहा है कि किस तरीके से इनका विकास हुआ है और किस तरीके से इनका, इनके विकास का इतिहास रहा है, उसी को क्या कहा जा रहा है, फाइलोजेनी कहा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं हमेशा जब मैंने आपको एनिमल किंगडम शायद नहीं पढ़ाया है, वहाँ पे जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं एक शब्द यूज़ करूँगी और वो है फाइलम। फाइलम मतलब होता है संघ, ठीक है। संघ मतलब ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना करके लोगों का यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो इनको क्या कहा जा रहा है कि जीव का जो कुछ भी विकासवादी इतिहास होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर फाइलोजेनी कहा जाएगा, फाइलोजेनी कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो कुछ भी मनुष्य है वो बंदर की औलाद है, ये सबसे ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है इस दुनिया का, सबसे ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। हम कभी भी बंदर की औलाद नहीं है, हम उसके पैरेलल भाई बहन हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप लेपर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप बंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप गिलहरी या जो कुछ भी, जैसे अगर आप यहाँ पे वॉल्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मनुष्य लिख सकते हैं, तो हम उसके भाई बंधु हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि कभी भी हम उसकी औलाद नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है यहाँ पर रीनोलॉजी, ठीक है। रीनोलॉजी, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जहां पर भी रीनो शब्द आता है, ठीक है, तो या फिर राइनो शब्द आता है, इसका मतलब होता है नाक से संबंधित। और नाक क्या काम करता है, घ्राण प्रणाली से संबंधित होता है। घ्राण मतलब सूंघना, है ना, स्मेल लेना, यानी कि ऑल्फैक्ट्री सिस्टम। तो जहाँ पर भी राइनोलॉजी के बारे में बात होती है, इसका मतलब क्या होता है, नोज का अध्ययन करना और ऑल्फैक्ट्री सिस्टम यानी कि नाक और घ्राण शक्ति का अध्ययन करना। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपने राइनोसेरस के बारे में सुना होगा कि जो यहाँ पर गेंडा होता है, राइट, तो जो गेंडा होता है उसके नाक में सिंग होता है, इसी वजह से नाक वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसका नाम राइनोसोरस रख दिया गया है। तो अगर आप राइनो की बात करें तो राइनो मतलब होता है नाक से संबंधित। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, बच्चा केवल क्या कर रहा है, ये जो सब है, ये सब ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रही, सेंसरी सेल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जो क्या काम कर रही हैं, यहाँ पर जो कुछ भी आप सूंघते हैं ना, जो आपको स्मेल आती है या फिर आपको फ्रेग्रेंस आती है, सुगंध और बदबू जिसको कहा जाता है, तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है, इसके लिए क्या होता है, राइनोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका पॉइंट आता है वो है सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी। तो जैसे आप पहले अल्ट्रासाउंड बोलते थे ना, अल्ट्रासाउंड जिसमें सोनार वगैरह की तकनीक यूज की जाती थी और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी, उसको आप अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब वही क्या हो गया है कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनकी मदद से अब कलरफुल फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, कलरफुल इमेजिन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन मतलब सोचने वाला नहीं, जो आपको चित्र दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, सोनोग्राफी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आपके पेट में कुछ भी हो गया, अल्सर हो गया, या आपके पेट में किडनी वगैरह में कहीं भी, या पित्ताशय में आपको पथरी हो गई है, या प्रेग्नेंट वूमेन है तो बच्चा ठीक है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो ये सोनोग्राफी की मदद से की जाती है, ठीक है। तो ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफी मतलब होता है कि उसका ग्राफ निकाल के वह दिखता है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सोनोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ द अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यहाँ पर सोनोग्राफी कहलाता है। अब यहीं पर एक मिलता जुलता शब्द आता है और वो है सोरोलॉजी, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा है, ये आया हुआ है। तो छिपकलियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, सोरोलॉजी कहा जाता है, छिपकलियों का अध्ययन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट तरह की छिपकलियाँ होती हैं ना, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, यहाँ पर सोरोलॉजी कहलाया जाता है। तो आप इसको यहाँ पे फटाफट से नोट कर लीजिए कि छिपकलियों का जो अध्ययन होगा उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर आप बताएंगे सोरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो इसको फटाफट से आप सभी यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है सीरोलॉजी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी मतलब क्या होता है, रक्त सीरम का अध्ययन करना। मैंने आप सभी को बताया हुआ है ना कि सीरम किसे कहा जाता है, बताया है ना कि जब जो कुछ भी हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा से जब हम सभी तरह के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, यानी कि जो खून का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो क्या बनता है, सीरम बनता है। और उसी सीरम का अध्ययन करना यहाँ पर क्या कहलाएगा, सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, बात क्लियर है, समझ आ गई होगी। और इसके लिए मैंने आप लोगों की क्लास भी यहाँ पर करवाई हुई है, तो सीरोलॉजी, ठीक है, लेबोरेटरी में इसका बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। अब जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्गीकरण क्या होता है। टैक्सोनॉमी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना। टैक्सोनॉमी क्या मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का, टैक्सोनॉमी मतलब यहाँ पर होता है कि हम किसी भी जीव का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर नॉमनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण हम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो क्या है, टैक्सोलॉजी, ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की प्रोसेस, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था, हु इज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के पिता जनक कौन है, कौन होते हैं, कार्ल लीनियस, बताया ना, सब हवा में चला गया है, कोई भी रिवाइज यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है, करो बेटा, पढ़ो, रिवाइज करो आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आएगा अब टेलीपैथी के बारे में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, लाइक म्यूटेशन वगैरह के ऊपर जो मूवी, एक्समैन जो सीरीज आई थी, उसमें टेलीपैथी के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम टेलीपैथी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि हाउ टू रीड समवन्स माइंड और कम्युनिकेशन ऑफ द थॉट्स, यानी कि किसी के मन को कैसे पढ़ना है और विचारों का संचार मन ही मन में किस तरीके से करना है, उसको क्या कहा जाता है, टेलीपैथी कहा जाता है, ठीक है। तो टेलीपैथी कहा जाता है, तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर, ठीक है, कॉमर्स गुरु, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टेलीपैथी मतलब क्या होता है कि जैसे टेलीफोन होता है ना, तो टेलीफोन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके मम्मी पापा कहीं और हैं, आपके फ्रेंड कहीं और हैं, लेकिन आप बात कर लेते हैं। लेकिन टेलीपैथी में क्या होता है कि इसमें माइंड गेम होता है कि आप किसी और के माइंड को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, या फिर अपने विचारों का संचार बिना बोले आप कैसे कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, टेलीपैथी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और ये तो आप सभी को पता ही होगा, जिनके यहाँ पे पेट होंगे, जिन जो पालतू जानवर रखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो आपका है पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, वेटरनरी साइंस यानी कि स्टडी एंड केयरिंग ऑफ द डोमेस्टिक
एनिमल्स, जितने कुछ भी आपके पालतू या घरेलू पशु हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, कई लोग कुछ और पक्षी तोता वगैरह पालते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है ना, जो कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब क्या है, यहाँ पर आपको बताएंगे वेटरनरी साइंस, ठीक है, यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसमें हम घरेलू पशुओं के बारे में बात करते हैं। हम देखो ये छोटी सी बिल्ली है, इसको कुछ हो गया होगा, गई है बेचारी, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर, ठीक है, तो आज का पॉइंट इतना ही है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो भी हमारा टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो कुछ भी क्वेश्चंस और टर्मिनोलॉजी के बन सकते हैं वो साथ साथ में जो आपके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाती रहती हूँ तो उसमें भी मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को नया बता देती हूँ, ठीक है, नया बता देती हूँ। तो चलिए चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। होप सो कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है, और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।